हेलो एंड वेलकम टू इंडिया टीवी एंड यू आर वॉचिंग द डेली टैरो रीडिंग शो। मैं हूं मिस्टिक सोनिया और मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं एक स्पेशल टैरो रीडिंग, जिसमें मैं डिस्कस करूंगी सारे 12 जोडियक साइन और उसके हिसाब से आपका दिन आज का कैसा रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले सन साइन की तरफ, जो है एरीज सन साइन, यानी कि मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आइए देखते हैं कि आज आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला कार्ड आपके लिए जो आया है वो है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड और दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है फाइव ऑफ कप्स। थोड़ा सा इमोशनली ओवरवेलमिंग दिन हो सकता है ये आपके लिए, पर आपको ऑलरेडी पता है कि आप एक इमोशनली स्ट्रांग पर्सन है, तो करंट सिचुएशन चाहे जैसे भी हो, थोड़ा सा आप चाहे लो भी फील कर रहे हो, पर आपको पता है कि यू विल गेट बैक अप एंड यू विल गेट गोइंग, तो वैसा ही आपको करना है आज के लिए। द नेक्स्ट सन साइन इज टॉरस और हिंदी में हम इसको वृषभ राशि भी बोलते हैं। देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए आज कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया है चैरियट का कार्ड और दूसरा कार्ड यहाँ पर आपके लिए आया है जजमेंट का कार्ड। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें आपके लिए मूव नहीं कर रही थी, अब वो मूव करना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज कोई तो एक आपका ऐसा एस्पेक्ट है जो फिनिश हो रहा है, एक न्यू एनर्जी में आप जाने वाले हैं। हो सकता है कोई एक अच्छी दशा भी आपकी शुरू हो रही हो, तो गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ है आपके लिए आने वाले दिनों के लिए। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे सन साइन की, जो है जेमिनी और हिंदी में हम इसको मिथुन राशि भी बोलते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए क्या कार्ड आए हैं। चैरियट का कार्ड आया है उनके लिए और दूसरा कार्ड हमारे लिए आया है टेम्परेंस का कार्ड। तो देखिए यहाँ पर एक ब्यूटीफुल बैलेंस को क्रिएट करने की बात हो रही है। चैरियट का कार्ड मूवमेंट दिखाता है, ये दिखाता है कि आप टोटली रेडी हैं किसी भी एक्शन को करने के लिए, कोई भी काम को अचीव करने के लिए, बट साथ में जब टेम्परेंस आ जाता है तो वो ये दिखाता है कि ये जो आप काम करने जा रहे हैं उसमें बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, और जब वो ब्यूटीफुल बैलेंस क्रिएट हो जाएगा तो वो काम भी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। एंड नेक्स्ट अप इज कैंसर सन साइन, हिंदी में हम इसको कर्क राशि भी बोलते हैं। तो कैंसेरियंस आप लोगों के लिए आज टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आपके लिए पहला कार्ड यहाँ पर है टेन ऑफ कप्स का कार्ड और दूसरा कार्ड यहाँ पे मैं पिक करूंगी स्ट्रेंथ का कार्ड। तो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल फैमिली टाइम डिनोट कर रहे हैं कार्ड्स। टेन ऑफ कप्स है, एक हारमोनियस एनर्जी है, यानी कि कोई साथ में फैमिली रीयूनियन, साथ में कहीं पर जा सकते हैं घूमने, एक बहुत ब्यूटीफुल हारमोनियस एनर्जी। स्ट्रेंथ का कार्ड आपको ये कह रहा है कि आप कोई अगर एक ऐसा नोबल काम करते हैं, आपके घर में हो सकता है कोई डॉक्टर हो या कोई हीलर हो, तो और एक बहुत ब्लेस्ड एनर्जी दिखा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके घर में ऐसे जो इंसान हैं जो हीलिंग फील्ड से रिलेटेड हैं, वो बहुत ही प्रेशियस एनर्जी के साथ आपके और आपकी फैमिली के सारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो ये कार्ड्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको उस इंसान से वो ब्लेसिंग्स हमेशा लेकर के रखनी है। अब है बारी सिंह राशि वालों की, इंग्लिश में हम इसको लियो सन साइन भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं लियोज आपके लिए क्या गुड न्यूज़ होती है। पहली गुड न्यूज़ नाइट ऑफ कप्स और दूसरा कार्ड यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी तरफ ना एक बहुत प्यारा सा मैसेज लेकर के आने वाला है। वो मैसेज भी हो सकता है, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। जो भी वो मैसेज या अपॉर्चुनिटी है वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है आगे के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि यूजली वो मैसेज या अपॉर्चुनिटी आपको गेंस देगी आपकी लाइफ में, आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं उसको फुलफिल करेगी। तो ध्यान रखिएगा कि वो घंटी आपके दरवाजे पे कब बजने वाली है। अब बारी आती है हमारे फेलो वर्गोस की और हिंदी में हम इसको कन्या राशि भी बोलते हैं। आइए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। पहला कार्ड यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और दूसरा कार्ड यहाँ पे है डेविल का कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है कोई टर्मोइल चल रहा हो अभी लाइफ में, या ये भी हो सकता है किसी तरीके की टॉक्सिसिटी में आप हैं या टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है। आपको जल्द से जल्द उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से अपने आप को बाहर निकालना है, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है और वो जो थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी है ना, वो आपकी एनर्जी को डाउन कर रही है। तो वहाँ से बाहर निकलिए और एक न्यूनेस को वेलकम करिए। एंड नेक्स्ट अप इज लिब्रा सन साइन और हिंदी में हम इसको तुला राशि भी बोलते हैं। तुला राशि वालों के लिए आज जो कार्ड आया है वो है नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द अदर कार्ड इज एट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर जो एनर्जी बता रही है वो ये कह रही है कि आपका
आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, और वो ट्रैवल जो है वो गेन्स से रिलेटेड होगा, फिनेंशियल अबंडेंस से रिलेटेड होगा। और ये आज की जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो ये भी दिखा रही है कि हो सकता है कि आज आपको बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने पड़े या बहुत सारी ऐसी जगहों पर जाना पड़े जो आपके फिनेंसिस में बहुत ज़्यादा बेटरमेंट लेके आएगा। हेलो स्कॉर्पियोज, अब आती है आपकी बारी और देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स शफल करने के बाद हमने कर लिए स्प्रेड। आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का और दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। तो यहाँ ना बहुत एक पैशनेट एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे, बहुत एक्टिव भी फील करेंगे। आपको लगेगा कि आप जो है आज शायद पूरी दुनिया पे मुकाम पा सकते हैं। जो आपने बहुत टाइम से नहीं किया ना, आज वो काम करने का दिन है। तो आपको अलग से एफर्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आज वो काम कर डालिए जिसका आप बहुत टाइम से करने का मुहूर्त नहीं निकाल पा रहे थे। अब बारी आती है सैजिटेरियस सन साइन की, हिंदी में हम इसको धनु राशि भी बोलते हैं। तो सैजिटेरियंस, आपके लिए आज कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला कार्ड आया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का और दूसरा कार्ड आपके लिए यहाँ पर मैं पिक करूँगी फोर ऑफ कप्स का। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत बहुत एक फुलफिलिंग एनर्जी के साथ आपको अप्रोच कर रहा है। बहुत स्टेबल है, सब कुछ है उस इंसान के पास, और वो आपके पास आकर के कुछ कहना चाहता है, आपको अप्रोच करना चाहता है, पर आप शायद उस मोड में नहीं होंगे कि आप उनकी बातों को उस तरीके से परसीव कर पाएं। आज का आपके लिए टिप सिर्फ इतना ही है, बी ओपन। आप सिर्फ ओपन रहिए अपने आइडियाज़ को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर के, किसी भी चीज़ से आप अपने आप को ब्लॉक मत करिए, जस्ट गो विद द फ्लो। अब आती है कैप्रिकॉन्स की बारी, यानी मकर राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं कार्ड्स में क्या निकल के आता है। आपके लिए आया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ तो है रीसेंट सम सॉर्ट ऑफ अ सेटबैक इन टर्म्स ऑफ करियर, यहाँ पर जो मेरे को देखने में मिल रहा है। आपने मेहनत पूरी की, आपने अपना सारा सही काम किया, बट उसके हिसाब से अगर रिजल्ट नहीं मिला ना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए, कुछ और करना चाहिए, कहीं और अप्लाई करना चाहिए या कम्प्लीटली चेंज करना चाहिए करियर। उस तरीके की एनर्जी में आप यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। बट द कार्ड्स आर सेइंग कि आप जो भी डिसीजन लेंगे, चाहे आप करेंट सिचुएशन में रहें, चाहे आप अपनी सिचुएशन चेंज कर लें, जो भी चीज़ आप डिसाइड करेंगे वो आपके लिए बेटर ही होने वाली है। और अब हम आ गए हैं अपने सेकेंड लास्ट सन साइन की तरफ, यानी कि एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों के लिए आइए देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। तो पहला कार्ड उनके लिए आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का और दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है टू ऑफ पेंटिकल्स का। यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं शायद आप, कुछ तो आपको यहाँ पर डिसाइड करना है और वो लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी हो सकती है जो आपको डिसाइड करनी है। तो यहाँ पर वो डिसीजन आज आपको लेना है, अगर आज लेते हैं तो वो आई थिंक बहुत बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट लेकर के आएगा। दैट इज़ इट फॉर यू टुडे। और अब हम प्रोग्रेस कर गए हैं और आ गए हैं अपने लास्ट सन साइन ऑफ द ज़ोडियक में, जो कि है मीन राशि यानी पाइसीस। तो पाइसियंस, आप लोगों के लिए आज क्या इन्फॉर्मेशन आती है। फर्स्ट कार्ड इज हायरोफेंट एंड द सेकेंड कार्ड इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप आज किसी एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में विजिट करें, कोई वेडिंग अटेंड कर सकते हैं, कोई एक ऐसी सॉलिड फाउंडेशन में आपका प्रेजेंस मुझे दिखा रहा है, कोई नया कोर्स भी एनरोल कर सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, उस तरीके की एनर्जी है। बट जो भी एनर्जी है, आपके लिए टिप जो ये है कि आप अपनी बातों को बहुत स्पष्ट तरीके से सामने रखिएगा, कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सीधी सीधी बात आपको करनी है आज के दिन। तो इसी के साथ ये शो को कंप्लीट करते हैं, मैं कल फिर आपसे मिलूंगी विद ऑल द 12 सन साइंस। थैंक यू सो मच।